पीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं उनकी बात को सुन लेते हैं। राम कहा तो ये तो कहते हैं कि आजादी भी 2014 के बाद मिली, ये उसी संस्कृति के लोग हैं। और कोई सवाल सर? आज सर अनुज शर्मा सहित और भी जो लोग हैं नीलकंठ टेकाम सहित बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं, सर कैसे है? वो तो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे रमन सिंह जी के, चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। सर अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को भाजपा कह रही है कि देश का अपमान है, और जब जब ये जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और देश की बुराई करते हैं। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, और दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। क्या मोदी जी पूरा देश है? नहीं ना। तो देश के साथ इनके जो अंधभक्ति है, इस कारण से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। कहा था कि एक तारीख से सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज चालू होगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने इसने कहा है कि जो कांग्रेस के अंदर कला है वो सामने आ रही है, जिसे जनता की स्वास्थ्य खिलवाड़ किया है, इसमें से आज से लागू नहीं होने वाला है। अब महाराज साहब आएंगे फिर बात होगी, ठीक है सर? सर मोदी जी का एक बयान आया है, क्या जी? पांच प्रोविंसेस जो कर्नाटक में किए हैं उससे देश बैंकरप्ट हो जाएगा। लो भला, मतलब हम किसानों को यदि कोई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में यही बात बोलते हैं, यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, यदि प्रति परिवार 35 किलो चावल दे रहे हैं।